हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ रेड सॉस मैक्रोनी। एक्चुअली मुझे रेड सॉस पास्ता खाना था, बट मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास मैक्रोनी थी, तो मैं आज रेड सॉस मैक्रोनी बनाऊंगी। और मेरे पास एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स भी कम है, तो आप कम इंग्रेडिएंट्स से रेड सॉस मैक्रोनी टेस्टी सस्ती कैसे बनाएंगे, लेट्स जस्ट देखें। मैंने एज यूजुअल मैक्रोनी बॉइल कर लिया, जैसे कि सब करते हैं नॉर्मल। सा हॉट वाटर में से डाल दिया, ऑयल और नमक डाल दिया, नीचे मैंने इसे ठंडे पानी से धो दिया। देखो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। एंड मैंने वेजीज में अनियन, ग्रीन चिली एंड मेरे पास कैरेट था, सॉरी कैरेट नहीं है, ये बीट रूट है, तो मेरे पास बीट रूट था। तो मैं झटपट से बनाते हैं हम मैक्रोनी। मेरे पास एक्चुअली ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास फिलहाल सरसों का तेल है, तो लेट्स स्टार्ट। तेल हमारा बहुत हो चुका है, तो मैं इसमें डाल दी क्रीम चिली। इसमें मैंने ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अनियन डाल दिया, एंड थोड़ा सा ब्राउन कर दिया। फिर अगर आप अनियन को फाइन चॉप करेंगे तो डाल टेस्टी बनेंगे। आई थिंक आप इस बात को पसंद कर आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फाइन चॉप किया है, आप इतना साथ ही मैं इसमें बीट रूट भी डाल देती हूँ। गाइस ये मेरा टमाटो प्यूरी है, इसमें एक्चुअली गार्लिक, ग्रीन चिली एंड टमाटर। एक्चुअली मैंने नॉर्मल की तरह जैसे बॉल करके बनाने वाले थे, मुझे आला चाहिए था, तो मैंने होल इन वन करके इसे ग्राइंड कर दिया। अब हम इसको उसमें डालेंगे। सो फ्रेंड, मैंने इसमें टमाटो प्यूरी डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है। जैसे ही हमारा थोड़ा सा तेज होने लगेगा, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हमारा पानी भी सूख गया था, मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसमें सारा तेज बनाना है। टमाटो केचप, अब मैं इसमें ऐड करी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, सारे मसाले डाले, बिल्कुल सी रेड चिली हो गई है। एज आप इसमें ऑर्गेनो वन चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है तो मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें बॉईल आते हैं, इसमें मैक्रोनी डालते हैं। जैसे गाइस मेरे जो ये टमाटो प्यूरी सॉस है, जो इतनी गाढ़ी रेड हो चुकी है, तो मुझे ना थोड़ी सी ब्राइट पसंद है, तो मैं इसको ब्राइट करने के लिए थोड़ा सा मिर्च डाल रही हूँ। थोड़ी सी ब्लैक कलर की हो जाएगी, इसके बाद हम इसमें साथ ही एक्चुअली अब हम इसे 2 मिनट्स कुक कर लेंगे, देन हमारी मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। बस मेरी मैक्रोनी बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ लाइक करना, हिट लाइक दिस।